सॉरी, फोन की परफॉर्मेंस ही इतनी दमदार है कि मैं अपने आप को पबजी खेलने से रोक ही नहीं पाया। वैसे तो आपने टाइटल में नाम पढ़ ही लिया होगा कि ये कौन से फोन का रिव्यू है, पर फिर भी आप बता दूं कि ये है Realme X50 Pro जो कि हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च हुआ है। ये है इंडिया का पहला Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट पे चलने वाला स्मार्टफोन जिसमें 5G सपोर्ट आपको मिल जाता है। और आज वीडियो में मैं आपको इस फोन के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि Realme X50 Pro में क्या है खास। और हाँ, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमारी आईडीज मिल जाएंगी या फिर मेरी पर्सनल आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू को और जानते हैं कि क्या ये फोन इस प्राइस रेंज में आपके लिए वर्थ इट है या फिर आप IQ3 को कंसिडर करें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अब तक का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट दिया है और ये 5G सपोर्ट के साथ आता है। तो आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस वाइज आप इससे बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। अगर आप PUBG या फिर कोई भी हाई इंटेंस गेम खेलने का शौक रखते हैं तो ये फोन आपके लिए बेस्ट है। हालांकि आपको बता दूं कि IQ3 को हमने इससे कंपेयर किया था, IQ3 का जो बेंचमार्क स्कोर था वो इससे ज्यादा आया था। तो ये फोन IQ3 से बेटर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एंड्रॉइड बेंचमार्क के स्कोर के टाइम पर IQ3 इससे ज्यादा अच्छा निकला। कंपनी ने इसे 3 वेरिएंट में पेश किया है, 6GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 12GB रैम के साथ 256GB की इंटरनल स्टोरेज। अनफॉर्चुनेटली आप इसकी मेमोरी को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। वैसे तो परफॉर्मेंस वाइज ये काफ़ी शानदार है ही, डे टू डे लाइफ में भी एकदम स्मूथली परफॉर्म करता है, लेकिन जब इसमें आप गेम खेलेंगे लगभग आधे घंटे पौने घंटे तक गेम खेलेंगे तो थोड़ा हीटिंग इश्यू इसमें आपको देखने को मिलेगा। वहीं गेमिंग के दौरान बैटरी ड्रेन टेस्ट भी ठीक ठाक रहा इसका, हमने इसका गेमिंग टेस्ट किया है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। आपको बता दूं कि इसमें 4200mAh की बैटरी मिलती है जो कि 65W की चार्जिंग सपोर्ट करती है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको 65W का चार्जर मिल जाता है। 0-100 चार्ज होने में ये फ़ोन लगभग 44 मिनट लेता है और जब हमने इसमें अपना HD वीडियो लूप टेस्ट किया तो ये लगभग 21 घंटे तक सर्वाइव कर पाया। और फोन पे लगभग 40,000 पे खर्च रहे हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि उसमें आपको बेहतरीन कैमरास मिल जाएं। यहाँ पे आपको बता दूं कि वैसे तो Realme X50 Pro कैमरास काफी शानदार हैं, लेकिन इसमें सेम वही कैमरास मिलते हैं जो कि Realme X2 Pro में दिए गए हैं, यानी 64+13+8+2 मेगापिक्सल का 4 रेयर कैमरा सेटअप। 64 मेगापिक्सल कैमरा जो है वो प्राइमरी है, f1.8 अपर्चर के साथ आता है। 13 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो टेलीफोटो लेंस है जिसमें आप 20x डिजिटल जूम कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जिसमें आपको मैक्रो मोड मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो डेप्थ सेंसिंग काम आता है। यहाँ पे इस फोन में आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट और बैक दोनों में EIS दिया है, स्लो मोशन का ऑप्शन दिया है विद 960fps। साथ साथ अगर फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो 32+8 मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट कैमरा मिलता है, डुअल पंच होल डिस्प्ले है इसमें। अब क्वालिटी की बात करें तो मैंने इसको IQ3 से कंपेयर किया था जो कि मैंने IQ3 के रिव्यू में आपको दिखाया था, आप खुद ही समझ गए थे कि कौन सा कैमरा बेटर है। पर फिर भी आपको बता दूं कि डे लाइट सिचुएशन में तो ये IQ3 के बराबर है, बस थोड़ी सैचुरेशन इसमें ज़्यादा मिल जाती है आपको, लेकिन लो लाइट सिनेरियो में ये उसके सामने थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। साथ साथ यहाँ पर आपको बता दूं कि सेल्फी के मामले में भी IQ3 में थोड़ा बेटर लगा, बस उसमें कमी थी कि वो स्किन बहुत सॉफ्ट करता है, पर अदरवाइज अगर आप कलर्स और सब कुछ देखेंगे तो IQ3 का आपको बेटर लगेगा। इनफैक्ट सेल्फी में भी लो लाइट सिनेरियो में ये IQ3 के सामने थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया। और सेम कैमरा सैंपल्स मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं।
रियलमी X50 Pro में मिलता है 6.44 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और सुपर AMOLED डिस्प्ले। कंपनी ने इसमें 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट मुहैया कराया है जिस पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें 1000 nits ब्राइटनेस मिल जाती है और HDR 10 प्लस का सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहली बार है जब कंपनी डुअल पंच होल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेके आई है। आपको डिस्प्ले क्वालिटी जरूर पसंद आएगी क्योंकि ये शार्प है, वाइब्रेंट है और ब्राइट भी है। साथ साथ इसमें आपको OISE मोड मिल जाता है जो कि इसके डिस्प्ले को और वाइब्रेंट कर देता है। इनफैक्ट डॉल्बी ऑडियो की वजह से इसकी ऑडियो क्वालिटी भी आपको जरूर पसंद आएगी, यानी आप अपने म्यूजिक वीडियोस को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। हालांकि आपको बता दूं कि पंच होल की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपको जरूर होगा, पर एनीवे एक बार इसका ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो ये फोन प्रोसेसिंग और कैमरा के मामले में अच्छा है और आपको जरूर पसंद भी आएगा, लेकिन डिजाइन वाइज ये फोन मुझे कुछ खास नहीं लगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रियलमी से निराश हूँ क्योंकि कंपनी सभी फोन्स को एक जैसा बना रही है, कभी कैमरा यहाँ पे दे देती है तो कभी यहाँ पे, लेकिन फोन की ओवरऑल लुक्स एक जैसी होती है, कर्व्ड होता है, ग्लास दे देती है, बस पैटर्न चेंज कर देती है। इस बार कंपनी मैट फिनिश वाला ग्रीन कलर लेके आई जो कि काफी अच्छा लगता है। फोन इसकी वजह से आपको जरूर पसंद आएगा, पर फिर वही बात है कि नयापन नहीं है इस फोन में। रियलमी के दूसरे फोन देख लो या फिर ये देख लो, ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट सेम फोन कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके बैक पैनल पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। साथ साथ यहाँ पर आपको बता दूं कि ये मेटल फ्रेम है और फोन पकड़ने में आपको अच्छी ग्रिप भी देता है, लेकिन एक कमी कंपनी ने इस बार कर दी कि 3.5mm ऑडियो जैक हटा दिया। पहली बार हुआ है जब कंपनी ने 3.5mm ऑडियो जैक को अपने फोन में से हटाया है। यहाँ पर मैं रियलमी से क्वेश्चन करना चाहूँगा, भाई ऐसा क्यों? आप क्यों दूसरे लीग में आ रहे हैं जहाँ पे सभी स्मार्टफोन कंपनी अपने इस जैक को हटा रही हैं, तो आप भी क्यों हटा रही हैं? आप एक अलग कंपनी है जो कि यूथ के लिए बनी है, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अपने 3.5mm ऑडियो जैक को मत हटाना। Realme ने अपना UI इस साल इंट्रोड्यूस किया है और कंपनी अपने हर नए स्मार्टफोन में ये UI मुहैया करवा के दे रही है। Realme X50 Pro में भी आपको Realme UI मिलता है जो कि Android 10 पर बेस्ड है। ब्लोटवेयर्स पहले से कम हो गए हैं और सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। इस फोन में आपको फेस अनलॉक मोड मिल जाता है जो कि बेहतरीन लगेगा, रेगुलर लाइटिंग सिचुएशन हो या लो लाइटिंग सिचुएशन, ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। साथ साथ अगर आपकी आंखें बंद हैं तो ये आपके फोन को अनलॉक नहीं करता। सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले में दिया गया है जो कि काफी फास्ट और एक्यूरेट है। एक्स्ट्रास की बात की जाए तो फोन में है डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट, OTG सपोर्ट, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास, साथ साथ इसमें एक्सेलेरोमीटर, साथ साथ इसमें कॉल रिकॉर्डिंग, नेटिव वीडियो कॉलिंग, NFC और वाइड वाइन सिक्योरिटी लेवल L1 भी मिल जाता है। सिर्फ कंपनी ने यहाँ पे FM रेडियो नहीं दिया। अब अंत में सवाल उठता है कि Realme X50 Pro खरीदा जाए या फिर IQ3, क्योंकि दोनों ही इस टाइम बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है और Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट के साथ आते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल है वो आपके ऊपर ही आके गिरता है, क्योंकि आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फोन ले। क्योंकि अगर आप Realme X50 Pro को खरीदते हैं तो इसकी लोलाइट कैमरा क्वालिटी जो है वो आपको IQ3 से कम मिलेगी, लेकिन इसके प्लस पॉइंट है कि 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है, 65 वॉट का चार्जिंग स्पीड आपको मिल जाती है। वहीं IQ3 खरीदेंगे तो उसमें आपको कैमरा क्वालिटी थोड़ी बेटर मिल जाएगी, 3.5mm ऑडियो जैक मिलेगा। फर्क यहाँ पे एक और भी है कि इसको खरीदेंगे तो 1000 रुपये लगभग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 5G मिल जाएगा और रैम जो होगी वो 6GB मिलेगी। वहीं IQ3 खरीदेंगे तो रैम 8GB मिलेगी, पैसे कम होंगे और 4G नहीं होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर रेडी स्मार्टफोन चाहिए जिसमें 5G दिया हो, या फिर कम कीमत पर 4G स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे जिसमें 8GB की रैम मिलती है। प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका क्या डिसीजन है, क्योंकि दोनों ही फोन्स बहुत पावरफुल हैं। आपको यहाँ पे निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सा फोन खरीदना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।